Good morning, dear students of class 4. This is your book Dew Drops of term 1. It has 5 subjects: English, Maths, Science, Social Studies, GK. Today we are going to read a chapter of English. Chapter 1, Who is Happy, on page number 7. Before this, I want you to draw a picture of a crow in your classwork notebooks and color it. Now, Piku. The crow is satisfied in his life. Piku, जो कि crow है, he is satisfied in his life. He is gifted with a clever mind, a strong beak, a tough body and wings to fly in the sky. उसके पास एक clever mind है, एक strong beak है, एक tough body है और wings भी हैं, पंख भी हैं, जिससे वो sky में उड़ सकता है, fly कर सकता है. Oh, I am the happiest bird in the world. ओ, मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर और हैप्पी बर्ड हूँ. इवन ह्यूमंस टेल द स्टोरी ऑफ द क्लेवर क्रो टू देयर चिल्ड्रन. इवन ह्यूमंस जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को द क्लेवर क्रो वाली स्टोरी सुनाते हैं. वन डे पीकू सीज सोना द ब्यूटिफुल वाइट स्वान. ही सडनली फील्स दैट द स्वान इज लुक्स मोर ब्यूटिफुल. एक दिन पीकू ने सोना को देखा. एक वो वह एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्वान थी. ही सडनली फील्स दैट द स्वान लुक्स मोर ब्यूटीफुल. उसे लगा कि वो स्वान उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है. हेलो सोना, यू आर द प्रीटीएस्ट बर्ड. हेलो सोना, तुम सबसे सुंदर बर्ड हो. आई विश आई कुड लुक लाइक यू. काश मैं भी तुम्हारी तरह दिख पाता. यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. शायद तुम दुनिया की सबसे हैप्पी बर्ड हो. सोना बोलती है, आई वॉज द हैप्पीएस्ट बर्ड टिल आई सॉ मिठू द लवली पैरोट. सोना बोलती है कि मैं भी सबसे ज़्यादा हैप्पी बर्ड थी जब तक मैं मिठू से मिली. ओ, मिठूज ग्रीन कोट एंड रेड बीक मेक हर लुक सो अट्रैक्टिव. मिठू का जो ग्रीन कोट है और रेड बीक है वो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर बनाती है. शी लुक्स मोर ब्यूटिफुल देन मी. वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है. सी माई वाइट फेदर्स मेक मी लुक सो प्लेन एंड डल. देखो मेरे जो वाइट फेदर्स हैं उनकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा प्लेन और डल दिखती हूँ. इवन माई बीक इज पेल. इवन मेरी जो बीक है वो भी येलोइश और पेल है. देन पीकू गोज टू मीट मिठू. फिर जो पीकू जो क्रो है वो मिठू से मिलने जाता है. मिठू, यू आर ब्लेस्ड विथ सच अ ब्राइट कलर्ड बॉडी. मिठू, तुम्हारे पास तो बहुत ही सुंदर और ब्राइट कलर की बॉडी है. योर ग्रीन फेदर्स मेक यू लुक ब्यूटिफुल एंड द रेड बीक्स लुक अट्रैक्टिव. तुम्हारी जो ग्रीन फेदर्स है उसकी वजह से तुम और ज़्यादा सुंदर दिखते हो और तुम्हारी रेड बीक लाल चोंच बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. You must be the happiest bird in the world. तुम शायद इस दुनिया की सबसे ज़्यादा happiest bird हो, सबसे ज़्यादा खुश bird हो. Oh Piku, thank you for praising me. Oh Piku, thank you मेरी तारीफ करने के लिए. I also felt the same until I met Krish, who is a peacock. मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मैं क्रिश जो कि एक peacock है उससे नहीं मिला था. He has many colors on his feathers. उसके feathers पे बहुत सारे कलर्स हैं. ऑन अ रेनी डे आई सॉ हिम इन द फॉरेस्ट. एक दिन ऑन अ रेनी डे आई सॉ हिम. उसने उसको एक फॉरेस्ट में देखा. यू नो ही हैड स्प्रेड हिज टेल टू डांस. उसने अपनी जो टेल है उसे फैलाया डांस करने के लिए. ही लुक्ड मैजेस्टिक. वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लग रहा था. आई एम जेलस ऑफ द पिकॉक्स ब्यूटी एज इट मेक्स मी फॉरगेट माई ओन. मुझे उसकी जो ब्यूटी है उसकी जो सुंदरता है उससे जलन होती है बिकॉज उसकी वजह से मैं अपनी ब्यूटी के बारे में भूल जाता हूँ. पीकू डज नॉट फाइंड द पिकॉक इन द नियर बाई फॉरेस्ट. पीकू जब उसको उस पिकॉक को ढूंढने निकलता है तो वो उसे फॉरेस्ट में नहीं मिलता है. द पिकॉक हैज बीन कॉट एंड पुट इन द जू. उस पिकॉक को पकड़ लिया गया है और एक जू में रख दिया गया है. पीकू विजिट्स क्रिश इन द जू एंड सीज दैट द पिकॉक्स केज इज सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल. पीकू जब क्रिश से मिलने जाता है जू में तो वह देखता है उस पिकॉक के केज के आसपास हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं.
दे हैव कम टू एडमायर हिज ब्यूटी, वह उसकी ब्यूटी की प्रशंसा तारीफ करने के लिए आए हैं. एज द सन गोज डाउन द पीपल लीव द जू एंड गो होम, जैसे ही सनसेट होता है पीपल जू से चले जाते हैं अपने घर. पीकू गोज टू द पिकॉक, पीकू पिकॉक से बात करने जाता है. गुड इवनिंग क्रिश, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड. गुड इवनिंग क्रिश, तुम सबसे ज़्यादा सुंदर बर्ड हो. पीपल विजिट द जू टू एडमायर योर ब्यूटी, पीपल जू में आते हैं तुम्हारी ब्यूटी को एडमायर, तुम्हारी ब्यूटी की तारीफ करने के लिए. आई हैव बीन हियर ऑल डे लॉन्ग बट नन ऑफ द विजिटर्स लुक्ड एट मी, मैं भी यहाँ पर पूरे दिन था पर मेरे को किसी ने नहीं देखा. एलास आई एम नॉट एज ब्यूटिफुल एज यू आर, मैं तुम्हारे जितना ब्यूटिफुल नहीं हूँ. टेल मी क्रिश, हाउ डज इट फील टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड ऑन दिस प्लैनेट, बताओ क्रिश कैसा लगता है इस दुनिया की सबसे सुंदर बर्ड होने पर. यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, शायद तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे. क्रिश बोलता है, आई वॉज ऑलवेज प्राउड ऑफ माई ब्यूटी, मुझे हमेशा अपनी ब्यूटी पर गर्व था. बट माई ब्यूटी मेड मी हैप्पी, पर मेरी ब्यूटी मेरी सुंदरता की वजह से मैं अनहैप्पी हूँ. पीपल विजिट मी एंड एडमायर मी बट आई एम नॉट फ्री, लोग आते हैं मेरी तारीफ करते हैं बट मैं फ्री नहीं हूँ. आई एम लाइक अ ब्यूटिफुल प्रिजनर, मैं एक बहुत ही सुंदर प्रिजनर, एक सुंदर कैदी की तरह हूँ. इट इज़ द फ्रीडम दैट गिव्स रियल जॉय एंड हैप्पीनेस, नॉट योर ब्यूटी. फ्रीडम ही आपको रियल हैप्पीनेस, रियल खुशी देती है, आपकी सुंदरता नहीं. डियर क्रो, यू मस्ट बी हैप्पी दैट यू आर फ्री एंड नॉट इन अ केज लाइक मी. क्रिश बोलता है, डियर क्रो, शायद तुम बहुत खुश होगे क्योंकि तुम फ्री हो और एक पिंजरे में, एक केज में नहीं हो मेरी तरह. पीकू रियलाइजेस दैट वी मेक अननेसेसरी कंपेरिजन्स विद अदर्स एंड बिकम सैड. पीकू को रियलाइज होता है कि हम अननेसेसरी, बेमतलब के कंपेरिजन्स करते हैं और खुद सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. वी डोंट वैल्यू वॉट वी हैव, हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते जो हमारे पास है. ऑल दिस लीड्स टू अनहैप्पीनेस, इन सब की वजह से हम अनहैप्पी हो जाते हैं. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वैल्यू द थिंग्स यू हैव, आपके पास जो है उसकी वैल्यू कीजिए, इट विल मेक यू हैप्पी, वही चीज़ें आपको हैप्पी बनाएंगी. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर योर अटेंशन, विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.